नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर बीमारी पीलिया यानी जॉइंडिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस या जॉइंडिस को साधारण भाषा में लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस से शुरू होता है। शुरू में जब रोग धीमी गति से मालूम होता है तो इसके कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जैसे जैसे यह बीमारी आगे बढ़ती है तो रोगी की आँखें व नाखून पीले रंग की दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम पीलिया कहते हैं। जिन वायरस से यह होता है उसके आधार पर मुख्यतः पीलिया तीन प्रकार का होता है। पहला होता है वायरल हेपेटाइटिस ए, दूसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस बी और तीसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए और नॉन बी। यह रोग ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ के लोग व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से सफाई नहीं रखते हैं या सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी यह ज़्यादा फैलता है। वायरल हेपेटाइटिस बी किसी भी मौसम में हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस ए और नॉन ए और नॉन बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क से होता है। ये वायरस रोगी के मल में होते हैं और पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के मल से या दूषित जल से या दूध से या भोजन से एक से दूसरे में प्रसारित होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ रोगी की आँख, नाखून या शरीर आदि पीले दिखाई नहीं देते हों, परंतु यदि वे इस रोग से ग्रस्त होते हैं तो वह अन्य रोगियों तक भी यह बीमारी फैला सकते हैं। हालांकि यह रोग वर्ष में कभी भी हो सकता है, परंतु अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों में इस रोग के लक्षण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी यह रोग इन महीनों में ज़्यादा तेज़ी गति से फैलता है। सर्दियों की शुरुआत होने पर और धीरे धीरे सर्दियाँ आने पर इस रोग में कमी आने लगती है। तो दोस्तों, अभी हमने एक साधारण परिचय आपको पीलिया के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कि पीलिया यानी जॉइंडिस रोग होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। दोस्तों, यदि रोगी को बुखार रहता है, बहुत लंबे समय तक बुखार रहता है, तो पीलिया होने के चांस उसको हो जाते हैं। दोस्तों, यदि रोगी को भूख नहीं लगती है या फिर चिकनाई वाले भोजन में अरुचि रहती है, चिकनाई वाला भोजन खाने का मन नहीं करता है, जी मचलाने लगता है या कभी कभी उल्टियां भी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है या फिर सिर के दाहिने भाग में दर्द होता है, आँख या नाखून का रंग पीला होता है या फिर पेशाब का रंग भी पीले आने लगता है, इसके अलावा अत्यधिक कमजोरी और थकान सी महसूस होने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि पीलिया यानी जॉइंडिस रोग होने का खतरा बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में आपको सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों, यह रोग किसी भी अवस्था में व्यक्ति को हो सकता है। रोग की गंभीरता रोगी की अवस्था पर जरूर निर्भर करती है, यानी गर्भवती महिला पर इस रोग के लक्षण बहुत अधिक गंभीर दिखाई देते हैं। बुजुर्गों में भी यह लक्षण जो है बहुत ही गंभीर हो सकती है ये बीमारी, और उन्हें यह ज़्यादा समय तक कष्ट देता है। इसी प्रकार नवजात शिशुओं में भी यह रोग गंभीर होता है और कई बार यह जानलेवा भी हो सकता है अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि पीलिया यानी जॉइंडिस रोग की सामान्य जानकारी के बारे में और पीलिया रोग के मुख्य कारण और लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीलिया यानी जॉइंडिस के रोगी को पीलिया होने के बाद कौन से आहार खाने चाहिए और कौन से आहार से उन्हें परहेज करना चाहिए। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें यह वीडियो शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।